दोस्तों ठंडों के दिन हैं और नींबू सानने का अपना ही मजा है, तो आज हम बना रहे हैं नींबू। कितने सानेंगे? लाओ हाँ, सभी को तो देंगे। मम्मी मूल्य डालून डाल दो, थोड़ी डालेंगे फिर अच्छा लगता है। ठीक है, और मेरे साथ नींबू सानने में लगने वाली है मेरी भाभी। अभी सभी लोग इकट्ठा होंगे क्योंकि नींबू जब सानो ना बहुत सारे लोग खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, और क्योंकि हम ही लोग बहुत सारे हो जाते हैं तो हमें नींबू भी खूब सारा सानना है, इसीलिए कुछ मम्मी ने हटा दिए हैं बात के लिए और कुछ काफी सारे रखे हैं। अभी हम बहुत सारे फ्रूट्स भी डालने वाले हैं। तरह तरह के फ्रूट्स डालने से ना नींबू का स्वाद बढ़ जाता है, तो हम अधिकतर इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और जो जो सामग्री हम डालेंगे वो आप देखते रहोगे। धूप लगी है, मम्मी आराम से लेट गई है, तो सबसे पहले भाभी और मैं नींबू को छील लेंगे। तो इनके छिलके के अंदर मोटी मोटी लेयर होती है ना, वो सफ़ेद वाली, वो भी खाई जाती है, पर हम सीधे छील रहे हैं। इस बार मैंने चूक नहीं खाया, माल्टे तो भेजे थे मम्मी ने भी, तुमने भी भेजे थे, माल्टा मैंने खूब खाया। इस बार मैंने चूक नहीं खाया था, आए बहुत हैं चूक, पर फिर मैं अकेले बनाने में भी तो मन नहीं आता। चूक जैसी चीजें ना सब लोग साथ हो तब अच्छा लगने वाला होगा। अरे मनु तू बड़ी देर में आया, तू बड़ी देर में नहीं आया था ना? अच्छा मम्मी पर मूली, अरे मूली अंगूर अलग अलग फलों के कितने स्वाद आता है। धुले है ना ये? तो बेर ना डल लिया, बेर हटा दो। ताई जी भी बहुत अच्छा चूक बनाती हैं। किस दिन बनाया था? मेरी शादी से पहले खाया हुआ। अच्छा, तब वो बनाते थे ना। अब तो कितने साल हो गए रे भाभी, ये है ना रेनू, ये जब बनाना भी डालना है। हाँ कितना अच्छा होता है इसे। अच्छा हाँ, सारे फल फूल भी मिलाओ ना, मुझे भी स्वाद लगता है। ये तो ये बेबी भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, क्यों मम्मी? ताई जी भी तो बढ़िया बनाती है, बनाती है सारे फल डाल के, केला सेब अंगूर संतरा। तबे तो सूट लगनी भैया पहाड़ी खाने का। ताई जी नहीं आ रही हैं? सोता होने देती है क्या? आगान देती पूजा कब हुआ? कल रात। ओहो कदले आगानो इजे बणोनी बहने जी। तो दोस्तों इस तरीके से नींबू को हमने कट कर रखा था, और इनके अंदर का जो ये देखिए इस तरीके से हमने इन्हें निकाल लेना है। साथ में एप्पल बनाना अंगूर तो हमारे आ चुके हैं, अनार वगैरह थोड़ी देर में छिलेंगे। और देखिए पहले हम छिल रहे थे पर अब बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से कट कर ले रहे हैं हम सीधे ही, और इनके अंदर इस तरीके से निकालते रहेंगे। और अंगूर छोटे होते हैं, सीधे इनके दो कट कर लिए। मम्मी को मेरे दराती की आदत है तो वो दराती का ही यूज कर रही है, अधिकतर हमारे पहाड़ में दराती ही यूज होती है। ऐसा ना ये चिमड़ी जैसा, ये दराती, ये दाहुल में बहुत बोल हो, ये दाहुल भूता दाहुल, दोस्तों चीनी और गुड़ भी हम अभी ऐड कर लेंगे ताकि इसके रस के साथ साथ वो भी समय पे गल जाएं। चीनी और गुड़ ना ये गलने लग जाता है ना थोड़ा। अरे मैं पाँव तो उसी में सुधर जाता है। और नमक पीस रखा है आज ये वाला, इसमें बहुत सारी हरी पत्तियां हैं, मतलब कि हरा धनिया और लहसुन बहुत ज्यादा है, कलर बिल्कुल डार्क का है हरा। गुड़ तेल पापा का जान चाहिए। अरे पापा सी हम थोड़ा जाओ का दे दे। बढ़िया हो रहा है। इसमें लहसुन, इसमें क्या क्या डाला है? लहसुन धनिया जीरा और दिल्ली है, ये दिल्ली पहाड़ में सब कुछ मिलता है। मम्मी टेंशन मत कर, मैंने वहां भी सब बना रखा है, वो तो मेरे को पता है। फिर किठान है तू तेरे पास? हाँ पास हूँ मिल ले जिस। मम्मी गाजर भी डाले? हाँ हाँ गाजर भी है डालो, है ना? ठीक है ठीक। मनीष गाजर लाएगा भी है तू? गित्तू लाएगा, गित्तू लाएगी है। मैं तो फोटोग्राफर हूँ। मेरे हाथ लग गए हैं अभी, तुम वीडियो बनाते ना लेते हो, वीडियो खराब आ जाएगी। खराब नहीं आती है बोलना, ये हमारे घर का व्यू है।
ये हमारा घर का स्टोर रूम है, इसमें डाल दो इसको। हाँ मम्मी, हाँ डाल, इधर मैं बीच में डालो ना। हाँ ये गया दही, इतना डालो, पूरा डाल दो। अभी रुक जाओ, हम कैसे डाल दो मम्मी, बड़ा मजा आएगा, मजे आएंगे, असली तो यही था स्वाद। और दोस्तों आपको बता दूं, जो ये नमक पिसा है इसमें हमने भांग भी डाली हुई है, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है। कलर इसलिए हरा है क्योंकि बहुत सारी धनिया और लहसुन है, वरना इसमें भांग, मिर्च, नमक ये सब चीज़ें भी डाली जाती हैं। दोस्तों अब जो हमने सारा बनाया है उसको अच्छे से मिक्स करना है, दही, नमक और गाजर वगैरह हम इसमें काट लेंगे, मूली भी मिल जाएंगे अभी वो भी काट लेंगे, और कुछ अंगूर जो ये है पूरे छूट गए हैं, इनके भी दो भाग करके हम जो अपना नींबू सना हुआ है इसमें मिक्स करते रहेंगे। जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना उतना ज़्यादा स्वाद आता है। इसमें आप देख रहे होंगे बनाना भी डाल दिया है हमने, एप्पल डाला हुआ है, अंगूर के दो पीसेस करके डाले हैं, गाजर डाली है, मूली डाली है, तो जो ये गुड़ है ना उसको भी थोड़ा मैं क्रश कर रही हूँ क्योंकि वो पूरा गला नहीं है, इसलिए इसीलिए हमने वो पहले डाल दिया था ताकि वो गल जाए रस में, तो इसलिए इसे इस तरीके से क्रश करना होता है ना। इसमें बड़ा अच्छा स्वाद देता है, एक तो ये गर्म भी होने वाला ना गुड़, से नाम खिलाना था, ऐसा शुद्ध हिंदी नाम किसी का होगा नहीं, पुष्प, जिसका होगा भी तो पुष्पा होगा, पुष्प किसी का, पुष्प रहने दे, ऐसे नाम मत बिगाड़ना भाभी का। हाँ अनार भी डाल सा, बास बेटा अनार भी दे, तो अनार भी छिल लिया है और अनार भी अब हम इसमें डाल रहे हैं। हमारे जो नींबू है ना उसका लुक भी बहुत सुंदर सुंदर आएगा और टेस्ट तो होता ही होता है। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं, अब शाबाश, अनार भी डालते रहो ना, तू छिलते रहो थोड़े अनार, है तो तू माई अमेजन हाँ ते 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 पोती नहीं जोगी खारी है, पता है सो बे ब्याह लाड़ होने, अब अभी उठने दे तेरी पोती को, ऐसे दड़काऊंगी ना, आज आज तो आएगी बारी है, हमारा कोई मतलब कोई हिस्सा नहीं, कोई प्यार नहीं हमारे लिए है मनु। सुन बे ला प्यार लाड़ ब्याड़, तूने मम्मी हमको खूब गुरियाया थेरा, ऐसी बात नहीं थेरी हमको, तूने मनी एक दिन तुअर में चार पे के नीचे कैसे छुपे थे भैया इसकी डर से। बढ़िया ये मम्मी हमको खिलाती भी रह रही है और हल्ला भी करती रह रही है, बचपन में हमने मम्मी से बहुत मार खाई है, और अभी देखो अपनी पोती को कितना लाड़ प्यार कर रही है, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब हम कैसा भी कर ले ऐसा भी कर ले तैसा भी कर ले ना तो भी हमारा गुण ज्ञान नहीं ठहरा रहेगी तुआ। मनु अब चक तो मीठा अभी अच्छा हो रहा होगा ना, बहुत बढ़िया, मिर्च तो होगी नहीं, मिर्च हमारे लिए एक काट लिया, अरे हम भाभी में एक काट लेंगे अपने उसमें, तुमको देखो गुस्सा था परात में की मिर्च, हाँ ए मिर्च ला बेटा जा जल मिर्च कर ले खेतों में जा, अच्छा ठीक है हम लोग पहले तुमको देते हैं नमक भी और डालो, तो हम अब वो खुर्सियां लूं डाल कैसा हो रहा है ये दाल भाग, लाजवाब। और जिसके सबसे मजे आते हैं भन चाटने में, समझ गए नहीं, भद कभी भदेली यमी नींबू हमारा तैयार हो चुका है और हम खा रहे हैं। पड़ोस पड़ोस में भी दोस्तों एक एक कटोरा बांटा है क्योंकि नींबू बांटते हैं जब हमारे पड़ोस में बनता है कटोरे में, दूसरी थाली में जाने ही दिखता है दूसरे की थाली में ज्यादा दिखता है। अगर देखो ये हो बताए सच कहया या हमने देखो लो बटी यदि के हने नारे ने वो फैला हमारा ना तेरा ब्याला है, हम मेरा सही कह रही है, दूसरे के बर्तन में ज्यादा दिखता है कि तू नहीं जा है मैं जो है बन नहीं जा रही, अरे जो ये खाली अपराध ना खाने ले तो बैठ रहे ये सब दोस्तों की नजर मेरी परार में है। अरे परार
परात में तो खाएंगे। भात भी परात में तो खाती है दीदी तू। वे सब बस मेरे को ही चिढ़ाने में लगे हुए हैं यहाँ पर को देख लो, ये ऐसे बेशरम है। ये हमारी दीदी की भात खाने वाली परात है दीदी, इसी में भात भी खाती है और नींबू भी खाती है। दीदी की थाली यही है, दीदी की थाली यही है। झूठ बोल रहे हैं, दो दिन है मायके आके ऐसा कह दे रहा है। कुछ भी दो इसमें, मतलब जो खाना है दीदी ने ये परात में ही खाना है। लापसी भी बनाएंगे, खीर लापसी हलवा पूरी कुछ भी बनेगी तो परात में दीदी के नाम की थाली है हमारे। जब मैं यहाँ आती हूँ ये बेचारे कुछ नहीं खाते हैं, ये बेचारे सूखे रहते हैं, इनके सारे हिस्से का मैं खा जाती हूँ। ये जिस समय 10 साल की थी मुझे पता चल गया था इसका नाम का मुझे कहा ये बड़ी होने वाली है। इसकी ये थाली तब से इसके लिए है ये। जिस दिन इनका कहीं से दहेज दू जाए होंगे उस दिन मेरे हिस्से की फराधे देंगे नहीं, मेरे नाम के कहीं से दहेज आएंगे ना, मेरे फराध मुका देते हैं। ये दीदी ने अपनी परात चमचमका दी है, धोने की जरूरत भी नहीं। दीदी बोल रही ऐसी मेरे लेखो मम्मी ते परात वहाँ पर रख दो। पेट आधो नहीं भाई और थाई दिन भाई अदू खाने भी तो बता ठुल जाएगी।